शपथ फाउंडेशन द्वारा थैंक यू भिलाई का रंगारंग आयोजन शहीद पार्क सेक्टर 5 में किया गया। इस कार्यक्रम में राजधानी रायपुर के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय व भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव शामिल हुए। कार्यक्रम में भिलाई शहर के विभिन्न क्षेत्रों से समाज, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण, कला, संगीत, नृत्य के क्षेत्र में सेवा देने वाले व भिलाई का नाम रोशन करने वाले विशिष्ट व प्रबुद्ध जनों को नौ रत्न व विशिष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। यूथ आइकन के रूप में लोग जानते हैं, पहचानते हैं, केवल कांग्रेस पार्टी में नहीं सभी दलों में जिनका परिचय है, जिनको पसंद करने वाले किसी एक विचारधारा के नहीं है। ऐसे हमारे बड़े भाई आदरणीय विकास उपाध्याय जी, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैं कल जब विकास भैया से बात किया इस आयोजन के लिए, भाई भिलाई की भावना सब कुछ दिखती है। इस आयोजन में भिलाई कैसे बसा है, कैसे लोगों के द्वारा बसाया गया है और क्या कल्चर है, इसको हम देख पाते हैं। ये रोजगार पाया और अपना परिवार का संचालन किया। मैं सबसे पहले इस भिलाई को नमन करता हूं और इस आयोजन को करने वाले तमाम आयोजनकर्ता को हृदय से धन्यवाद। राजेश चौहान जी, वीरेंद्र भैया, अनिल शुक्ला जी, गुप्ता जी, कन्हैया जी, रश्मि जी, कल्पना जी, पुष्पा जी, जितेंद्र जी, सीजू भाई, बंछौर जी, बंछौर भैया, नीता लोधी जी, राजू भाई, वशिष्ठ भाई, तमाम बहुत सीनियर लोग वहां पर बैठे हैं, उन सबका हृदय से धन्यवाद। भिलाई के तमाम लोग यहाँ पर हैं, महिला बहनें भी हैं, युवा साथी भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और एक परिवार की तरह एक पारिवारिक आयोजन में आपने मुझको बुलाया, अपने इस पर भिलाई परिवार में आपने मुझको शामिल किया। मैं हृदय से अपने परिवार की तरफ से और रायपुर राजधानी की तरफ से आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। भवन से ज्यादा सुंदर भावना होना चाहिए, साधन से ज्यादा सुंदर साधना होना चाहिए और दृष्टि से ज्यादा सुंदर दृष्टिकोण होना चाहिए। तो भिलाई का निर्माण जब हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वो कल्पना परिकल्पना की और अब जब छत्तीसगढ़ के विषय में आप बात करेंगे तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की ये सोच और जिस प्रकार से भिलाई में हर जाति धर्म वर्ग का व्यक्ति, सीजू भाई मेरे को